अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 7 Plus News HD। मैं हूं मोहम्मद अहसन। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद आयशा ज़ेरी के लिए ज़ेरे सदारत मर्दमशुमारी में रह जाने वाले इलाकों की मजमूई सूरतेहाल का जायजा लेने के हवाले से एक इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर डेरा मराज जमाली असदुल्ला समलानी, असिस्टेंट कमिश्नर छतर खादम हुसैन खोसा, तहसीलदार मुजीबुर रहमान सतकजई और मुख्तलिफ यूनियन काउंसलर में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले सुपरवाइज़र ने शिरकत की। इजलास में मर्दमशुमारी में रह जाने वाले इलाकों का तफसीली जायजा लिया गया। जिन इलाकों में आबादी कम जाहिर की गई है उनका भी तफसील से मुशाहिदा किया गया और वजूहात सामने लाई गई। इजलास से खताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर आयशा ज़ेरी ने कहा कि जिन इलाकों में रिपोर्टिंग सही अंदाज से नहीं हुई, इस कमी को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदारान और महकमा रेवन्यू के तमाम स्टाफ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के साथ मिलकर मर्दमशुमारी में रह जाने वाले इलाकों में अमल मुकम्मल करवाएंगे। मज़ीद 2 दिन का वक्त भी दिया गया है ताकि ये अमल सही मानों में मुकम्मल हो सके। उन्होंने पब्लिक चेयरमैन से भी अपील की कि वो मर्दमशुमारी को सही मानियों में पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए इंतजामिया का साथ दें ताकि इस कौमी फरीजे को जल्द मुकम्मल किया जा सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना, मज़ीद देखते रहें 7 Plus News HD।